तो आज हम लोग, ओहो स्ट्रीमिंग नहीं हो सकती, ठीक है। आज हम लोग 11वें स्कंद के 5वें अध्याय, जिसमें नारद मुनि युग अवतारों का वर्णन कर रहे हैं और भागवत धर्म की शिक्षा दे रहे हैं वसुदेव जी को, उसका 34वां श्लोक लेते हैं। यह श्लोक भगवान कृष्ण, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और भगवान श्री राम का वर्णन करेगा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका जिसको हम चर्चा करेंगे, उसमें श्रीमान चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है और भगवान श्री राम का वर्णन। इसको भगवान कृष्ण का जो वर्णन है वह बीबीटी के परपट में है और प्रमाणिक भी है, लेकिन उसमें संस्कृत नहीं मिल पाई तो मैं उसको संस्कृत से डिस्कस नहीं करूंगा। अगर आपों के पास वो स्कंद हो तो आप लेके आएंगे तो मैं चर्चा कर सकता हूँ। क्या स्कंद लेके आ सकते हैं आप? 11वां स्कंद, एक मिनट लेके आ जाइए। तो ये किस प्रकार से वर्णन करेगा उसको हम देखते हैं। आप इसको जरा स्पीकर के सामने रख दीजिए, तो हम लोग सामने रखिएगा स्पीकर के। यस, श्लोक मेरे पीछे बोलिए। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज, त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीम् धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम् माया मृगम दयितयेप्सितमन्वधावत् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राजलक्ष्मीम् धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम् माया मृगम दयितयेप्सितमिन् अन्वधावत् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम् एक बार और बोलते हैं। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राजलक्ष्मीम् धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम् माया मृगम दयितयेप्सित मन्वधावत् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम् श्लोक इतना सुंदर है, लग रहा है भूलते जाए, लेकिन फिर भी पहले हम श्लोक के सर अर्थ को एक बार देख लेते हैं, फिर हम टीका को पढ़ेंगे। त्यक्त्वा मतलब त्यागते हुए, छोड़ते हुए। सुदुस्त्यज मतलब जिसको त्यागना बहुत मुश्किल है। सुर मतलब क्या होता है? देवता। इप्सित मतलब जिसकी इच्छा करते हैं। सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, जिस राज्य लक्ष्मी को देवता भी इच्छा करते उसको त्यागते हुए। धर्मिष्ठ, जो धर्मात्माओं में सर्वश्रेष्ठ हैं वे। आर्य वचसा, आर्य वचन मतलब आर्य के वचन के कारण। कौन आर्य है वो अलग अलग रेफरेंस अलग अलग होगा, अर्थ ये समझ रहे हैं आर्य के वचन के कारण, श्रेष्ठ व्यक्ति के वचन के कारण। यद अगाध अरण्यम, जो अरण्य मतलब जंगल में चले गए। क्या किया जंगल में जाकर के? माया मृगम दयितयेप्सितम अन्वधावत, यहाँ पे भी इप्सित अर्थ है। दयिता मतलब उनकी प्रिय, उनकी भृत्य, मतलब उनकी इच्छा से माया मृग के पीछे भागे, एक ही अर्थ है। और दूसरा अर्थ आगे हम चैतन्य महाप्रभु के संबंध में देखेंगे। अन्वधावत मतलब भागे उन महापुरुष, उन भगवान की मैं वंदना करता हूं। मैं इसलिए डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि अलग अलग अवतारों के अनुसार अलग अलग अर्थ होगा, तो उसको हम जरा देखते हैं। अन्यै सुदुस्त्यजा, अन्य मतलब क्या होता है? अन्य लोग। सुदुस्त्यजा या सुरेप्सिता राज्य लक्ष्मी स्ताम त्यक्त्वा यदिति यह इत्यर्थ, अर्थात जो अन्यों के लिए बहुत सुदुस्त्यज है और देवताओं के लिए इप्सित है, उन राज्य लक्ष्मी। राज्य लक्ष्मी यहां पे जो अर्थ है, यहां पे जो अर्थ हम समझ रहे हैं भगवान श्री राम के संबंध में समझ रहे हैं।
तो राज्य लक्ष्मी का मतलब सीता नहीं है, क्योंकि माता सीता को साथ में लेके गए। राज्य लक्ष्मी मतलब राज्य जो उनका साम्राज्य था उसका वैभव, उसको त्याग करके। आप अगर पढ़ें तो उसमें बताया जाता है कि दशरथ जी का जो वैभव था वो स्वर्ग से भी अधिक था, ऐसा बताया जाता है। और आश्चर्य नहीं करना चाहिए, भगवान श्री राम वहां पे हैं। तो उसको त्याग करके यह यदिति मतलब यह यह यद यद देख रहे हैं शब्द यद अगाध, तो यद मतलब यह, वो जो व्यक्ति गए कहां पे, अरण्य गमा अरण्य अरण्यम अगाध, जंगल चले गए। समझ में आ रहा है, ये मुश्किल हो रहा है। जो राज्य लक्ष्मी, कहां की राज्य लक्ष्मी, अयोध्या की, जो अन्यों के लिए सुदुस्त्यज है, बहुत मुश्किल है, और देवता भी उस अयोध्या के वैभव को इच्छा रखते थे, उसको त्यक्त्वा, उसको त्याग करके जो जंगल चले गए। अब प्रश्न उठा रहे हैं, किम राज्य वैकल्य दर्शनेना, इसका अर्थ क्या है, राज्य समझ में आ रहा है, किम का मतलब क्या, तो क्या कुछ राज में गड़बड़ हो रही थी इसलिए चले गए। हो सकता है कि उनका राज्य जो है वो बहुत अच्छे से चल रहा हो, राज्य अच्छे से नहीं चल रहा हो, उनकी जो सिटी क्या कह सकते हैं, नहीं 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 एक मिनट, अयोध्या तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मान लीजिए कहीं कोई विद्रोह कर रहा है तो उस कारण से राजा को जाना पड़ता है उसको सेटल करने के लिए, उसको शमन करने के लिए जाना पड़ता है ना। तो कह रहे हैं किम राज्य वैकल्य दर्शनी ना, वैकल्य मतलब विद्रोह, अनरेस्ट, अनरेस्ट समझते हैं ना। तो क्या राज्य में देखा उन्होंने कुछ गड़बड़ हो रहा है इसकी वजह से जा रहे हैं गए, तो कह रहे हैं ना नहीं, राज्य में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, क्यों गए फिर। कह रहे हैं धर्मिष्ठ, धर्मिष्ठ का अर्थ आगे आएगा, धर्म जो जो धर्म पालन करने वालों में सर्वश्रेष्ठ है, आप जानते हैं ना मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान श्री राम का एक गुण है। तो कह रहे हैं धर्मिष्ठ कैसे हम समझेंगे, आर्यस्य, आर्यस्य का अर्थ बता रहे हैं गुरोर दशरथस्य। धर्मिष्ठ कैसे इंगित होता है कि आर्यस्य गुरोर दशरथस्य वचसा अनेना। आर्य का अर्थ क्या बता रहे हैं, गुरु, आर्य का अर्थ गुरु भी होता है, पिता भी होता है, तो पिता दशरथ के वचन की पालन मात्र से, पालन करने के लिए वह राज्य छोड़ करके जनवन में चले गए। और इससे क्या प्रदर्शित होता है, पितृभक्तत्वम उक्तम, इससे उनके पितृ जो पिता के कितने बड़े भक्त हैं यह उक्त, यह प्रदर्शित होता दिखता है, ये कह रहे हैं इससे दिखता है। धर्मिष्ठ का अर्थ ये हो सकता नहीं चलेगा इसमें, धर्मिष्ठ का अर्थ यहां पे एक ही बताया गया है, अभी आप देखेंगे टीका में, धर्म पालन करने वालों में सर्वश्रेष्ठ, ठीक है। श्रेष्ठा का ष्ठा उठा लीजिए और यहां पे धर्मिष्ठ में जोड़ दीजिए तो ये अभी एकदम स्पष्ट हो जाएगा, धर्मिष्ठ मतलब धर्मवताम अतेना श्रेष्ठ, ये यही टीका में आप देख लीजिएगा, तो वो गुण सब पे अप्लाई होगा। अब आप इस पे विचार कीजिए, मैंने पहले भी पूछा था कि भगवान श्री राम के पिता ने क्या उनको बोला था कि तुम जंगल चले जाओ, नहीं बोला था। अच्छा, क्या उनके पिता ने बोला था कि हाँ मैं राम को बोलूंगा कि वो चला जाए, ये भी नहीं बोला था, कुछ भी नहीं बोला था, खाली उन्होंने अपनी पत्नी को बोला था कि मैं तुम्हें दो वचन चाहिए क्या कह तुम ले लो, तो उसने वचन मतलब वो व्रत ले ली, व्रत नहीं क्या कहते हैं, वरदान बोल देती मुझे चाहिए, ये नहीं बोला कि तुम मैं दे दूंगा, ऐसा नहीं बोला, चुप हो गए, एकदम गंभीर बेहोश हो गए। हाँ अभी तो ये कह रहे थे कि नहीं इसको मत मांगो, ये मत मांगो, और तुम भरत को राजा बनाना चाहती, राजा भरत बन जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राजा को मत छोड़े, राम को आप मत भेजिए। तो आप देख सकते हैं कि फिर भी भगवान श्री राम ने कि पिता का वचन टूटे नहीं, इसको पालन किए। आपको देखिए इतना आसान लग रहा होगा, महाराज की लाश में सुन रहा था कि यहाँ छोटे छोटे घर के लिए आदमी लड़ मर जाता है कि नहीं, और यहाँ पूरा राज्य भगवान श्री राम के जो उनके क्या अधिकार का था, कह सकते क्या बड़े भाई के हिसाब से मिलना ही था और सारा सपोर्ट भी था पूरा पब्लिक का, फिर भी उसे त्याग करके चले गए। ऐसा तो हमने नहीं सुना, लेकिन बट पॉइंट ये, देखिए पॉइंट ये है कि भगवान अपने पिता की आज्ञा ना टल जाए इसलिए उसको पालन करने के लिए चले गए, तो ये बात हो रही है, इसलिए धर्मिष्ठ धर्म परायण सर्वश्रेष्ठ, ठीक है। अब
यहां बता रहे हैं प्रेयसी प्रेम वशत्वम च आहा। आहा मतलब है अब बोल रहे हैं यहां पे, और प्रेयसी के प्रेम के वश में है वह भी दिखाया जा रहा है। प्रेयसी कौन है? माता सीता। दयितया अर्थात सीतया, इप्सितम मतलब इच्छा से, तो यानी सीता की इच्छा से माया मृगम अर्थात स्वर्णाकार मृगम, स्वर्ण के मृग एकदम स्पष्ट है, यो अन्व धावत तस्य वंदे। स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जो अपने प्रेयसी के प्रेम के वश, क्योंकि माता सीता के हृदय में इच्छा थी कि मुझे ये माया मृग स्वर्ण मृग चाहिए, तो भगवान, हाँ ये माया भगवान राम की व्याख्या चल रही है, तो उनकी ये व्याख्या भगवान राम परख है से कहना चाहिए, तो भगवान श्री राम भागे। अब एक अद्भुत बात है कि उन्हें पता था कि ये मारीची है, सब कुछ है, लेकिन क्योंकि प्रिय सी माता सीता बोल रही थी इसलिए वह उनके पीछे भागे। तो किस प्रकार से अपने उनका भगवान का अपने पिता के प्रति प्रेम प्रदर्शित हो रहा है, और पत्नी के प्रति प्रेयसी के प्रेम के वश में है, इस कारण से वो जा रहे हैं। प्रेयसी के वश में नहीं, ध्यान दीजिएगा प्रेयसी के वश में होना और प्रेयसी के प्रेम के वश में होना बहुत अंतर है। हाँ, प्रेयसी वशत्वम नहीं लिखा हुआ है, भगवान कोई स्त्रैण पुरुष नहीं है, प्रेयसी प्रेम वशत्वम, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भक्त जब प्रेम अर्पित करते हैं भगवान को तो भगवान भी उसी प्रकार से कुछ भी करने के लिए तैयार है, जैसे कि अर्जुन के सारथी बन गए थे। समझ में आ गए यहां तक? च मतलब और च को आप इसमें जोड़ दीजिए, पितृ भक्त्व मुक्तम च प्रियसी प्रेम वशत्वम। संस्कृत में च को कहीं भी डाल सकते हैं, तो आह मतलब पितृ का भक्त, पितृ भक्तत्व वो दिखा रहे हैं और प्रियसी प्रेम वशत्व दिखा रहे हैं, ये बोल रहे हैं। आह कहने का मतलब होता है बोल रहे हैं। देखिए जो टीका की लैंग्वेज है वो थोड़ा आप जब फेमिलियर हो जाएंगे तो बहुत आसान लगेगा। हाँ, आह मतलब बोलना, आह आह करते तो वो वाला आह नहीं, आह मतलब बोल रहे हैं, तो ऐसे तत्राह वहां पे बोल रहे हैं, ऐसे करके आप नहीं सोचेंगे कहाँ बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं मतलब यहाँ बोल रहे हैं, टीका में बोल रहे हैं, ऐसे करके श्लोक में बोल रहे हैं। और आप ये देखेंगे कि शब्दों के अर्थ को सटा करके रखते जा रहे हैं, दयितया का अर्थ है सीतया, इप्सितम का अर्थ, ऐसे करके। ओके, यहां तक क्लियर है? अब है श्लेष पक्षे। कल भी हमने शब्द सुना था श्लेषेणा, अर्थात एक उसका दूसरा अर्थ है, दूसरे पक्ष में बोलते ना, दूसरे पक्ष में ऐसा कहते हैं। श्लेष पक्ष सेकंड अर्थ क्या है? बहुत सुंदर अर्थ है, अशुभ्य। इन्होंने इसको थोड़ा तोड़ा है, सुदुस्तेज में उससे असु निकाल लिया शब्द, असुतेज, तो कह रहे हैं अशुभ्य। असु का अर्थ होता है प्राण, तो यानी अशुभ्य प्राणेभ्योपि सु प्राणेभ्योपि दुस्त्यजा, जो अपने प्राण से भी अधिक दुस्त्यज हैं, प्राण तो त्यागना नहीं चाहते ना, तो जो प्राण से असु प्राण से भी अधिक दुस्त्यज हैं उनको, और सॉरी और चा का मतलब और दुस्त्यज, त्याग समझते हैं, त्याज मतलब त्यागना, दुस्त्यज मतलब बहुत कठिन त्यागना, तो कहे भाई अपने प्राण ही त्याग दीजिए, तो कह रहे नहीं तो बहुत डिफिकल्ट है, तो कह रहे नहीं प्राणों से भी अधिक प्रिय। सुनते हैं ना कई बार प्राणों से प्यारे, तो कहने का अर्थ है कि जितना मेरा प्राण प्रिय नहीं उससे अधिक व्यक्ति प्रिय है, तो वह विष्णु प्रिया, उन विष्णु प्रिया, वो विष्णु प्रिया जो गौरांग महाप्रभु को, निमाई पंडित को, महाप्रभु दीक्षा के बाद करना, सॉरी संन्यास के बाद का नाम है, गौरांग को, गौरांग उनको निमाई को बोलते थे गौरांग उस टाइम, संन्यास के बाद गौरांग महाप्रभु बोलते हैं, खैर जो भी है, निमाई को ऐसे कह सकते हैं, निमाई पंडित के गृहस्थ आश्रम उनका नाम निमाई था, विश्वाम्भर को उनके प्राणों से भी अधिक प्रिय थी, जानते हैं ना विष्णु प्रिया जी के बारे में। और अब देखिएगा इतना सुंदर अर्थ है, वो कह रहे हैं सुरैर अपि इप्सितम, देवता भी क्या चाहते थे, सुरैर अपि इप्सितम राज्यम स्वकांतिना विराजमानत्वम यस्याः सा, राज्यम मतलब
भगवान श्री चंद्र महाप्रभु यानी माई पंडित अपने साथ विष्णु प्रिया के संग हमेशा रहें, या थोड़ा गलत बोल गया, या स्व नहीं होना चाहिए, सु होना चाहिए, वो मैंने ठीक वाला नहीं डाल पाया यहां पे, सुकांतेना, कांत मतलब होता है पति या प्रेमी, तो सुकांतेना यानी अपने पति श्रीमन चैतन्य महाप्रभु यानी माई पंडित के साथ विराजमानत्वम हमेशा अपने घर में रहें, ऐसा देवताओं की इच्छा थी। मैं रिपीट करूं, ये समझ में आ रहा है, सुरैरपि इप्सितम राज्यम सुकांतेना विराजमानत्वम यस्या सा च या लक्ष्मीस्ताम त्यक्त्वा। वो लक्ष्मी, वो विष्णु प्रिया देवी जिनके बारे में क्या देवता लोग क्या चाहते थे कि सदैव निमाई पंडित के संग हमेशा अपने घर में राज में विराजमान रहें, उनको त्याग दिया। दो अर्थ, दो गुण देख रहे हैं, एक कि निमाई पंडित को, विश्वंबर भगवान को विष्णु प्रिया देवी प्राणों से भी अधिक प्रिय थी, फिर भी त्यागा, पॉइंट नंबर वन। दूसरा, देवता भी चाहते थे कि वह हमेशा कितने अच्छे लग रहे हैं, यहीं पर रह के लीला करें, यहीं पर रहें। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, देवता केवल स्वर्ग के देवता नहीं, आप भी जानते हैं कि महाप्रभु की लीला में सारे देवता, बड़े बड़े देवता भक्त के रूप में आए थे। अद्वैताचार्य स्वयं शिव जी हैं, श्रीवास ठाकुर जी नारद मुनि हैं, ये सब चाहते थे कि महाप्रभु हमेशा वहीं पे रहें, यही चाहते थे ना। तो यहां देवताओं का अर्थ आप ये भी समझ सकते हैं कि जिनके भक्त थे वो भी चाहते थे कि यहीं पे रहें, लेकिन त्याग करके। इस संबंध में बहुत सुंदर लीला है जो मैं कहना चाहता हूं। आप सब जानते हैं इस लीला को कि महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के यहाँ कीर्तन कर रहे थे। आप जानते हैं कि उनका लड़का मर गया था, श्रीवास ठाकुर का, और उन्होंने बोला तुम मेरे लड़के के मरने की वजह से अगर महाप्रभु का कीर्तन नष्ट हो रहा तो मैं गंगा जी में कूद जाऊंगा। बाद में महाप्रभु को मालूम चलता है, निमाई पंडित माँ को मालूम चलता है, तो वो कहते हैं कि श्रीवास मेरा कीर्तन खंडित ना हो तो तुम अपने बच्चे का, पुत्र का भी शोक सहन करने के लिए तैयार थे, तुम्हारे जैसे भक्तों को मैं कैसे त्यागूंगा। तो कोई समझ नहीं पाया, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात, चेतन बहुत डीप है, कह रहे कि तुम्हारे जैसे भक्तों को मैं कैसे त्याग पाऊंगा, बहुत कठिन होगा, प्राणों से भी प्यारे भक्तों को कैसे त्यागूंगा। और ये महाप्रभु का अति अति कारुण्य है कि वो लोग जो उनके ही प्रति विपक्ष में थे, उनके उनके उद्धार के लिए ऐसे भक्तों को त्यागा जो इस प्रकार की इच्छा करते थे कि महाप्रभु का हमेशा, कभी वो सोचे नहीं थे कि महाप्रभु संन्यास लेंगे, किसी के मन में नहीं था कि महाप्रभु संन्यास लेंगे, कभी नहीं सोचे थे। और महाप्रभु स्वयं माता सची को बोले थे, नहीं मैं कभी संन्यास नहीं लूंगा, गृहस्थ हाईबा, मैं गृहस्थ होकर के आपकी सेवा करूंगा, जब विश्व रूप में संन्यास ले लेता, आप क्यों चिंता करते हैं। इस प्रकार से खैर यत यह उनको उनको त्याग दिया, विष्णु प्रिया को, लक्ष्मी प्रिया की विष्णु प्रिया, विष्णु प्रिया, यस, क्योंकि लक्ष्मी प्रिया तो शरीर पहले त्याग चुकी थी। उसके बाद यह मतलब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु अरण्यम अगाथ, जो जंगल चले गए, तत्र हेतु, उसका कारण क्या था, वहां जाने का कारण क्या था, आलस्य, आलस्य नहीं है, यानी आपने आलस्य नहीं बोला, मैं मजाक कर रहा हूं, मजाक कर रहा हूं, आपने आलस्य नहीं बोला, आपने आर्यस्य बोला था आपने, अरे कोई बात नहीं, आर्यस्य बोला प्रभु जी आपने, मैंने गलत सुना, आर्यस्य अर्थात, अब आप देखिए, मैं संतोष कृष्ण प्रभु को पूछूंगा, क्या आप देख पा रहे हैं यहां पे कैसे लिखा हुआ है, लिखा है आर्यस्य विप्रस्य, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ देखिए, टेक्निक, इसकी लैंग्वेज का स्टाइल देखिए, आर्यस्य का अर्थ है विप्रस्य, ये कह रहे हैं, ये दो शब्द साथ साथ रखें, आर्यस्य इक्वल्स टू विप्रस्य कभी नहीं बोलेंगे, आर्यस्य अर्थात विप्रस्य, समझ में आ रहा है, वचसा विप्रस्य वचसा, तब क्या वचसा, अब देखिए वचसा के बाद कुछ लिखा नहीं है, वचसा के बाद डैश नहीं लिखा, वचसा मतलब क्या वचन बोले ये लिखना चालू किया, तब, तब मतलब तुम्हारे, सर्वमपि सारे ग्रहस्थ सुखम ध्वस्तम भवतु इति, तुम्हारे सारे ग्रहस्थ सुख ध्वस्त हो जाएं, ये है वचसन, समझ में आ गया। मैं चाह रहा हूं कि आप लोग थोड़ा सा उसको फोकस करने का प्रयास कीजिए कि टीका में लिखा कैसे रहता है, ये समझ में आ रहा है, इक्वल्स टू कहीं नहीं लिखा रहेगा, वचसा मतलब तब सर्वमपि, वो उसके बाद बता रहे हैं कि वचसा का मतलब क्या है। तो ये लीला भी आप जानते हैं कि महाप्रभु की कीर्तन श्रीवास ठाकुर के यहाँ पे हुआ करता था, तो एक ब्राह्मण की एंट्री नहीं थी,
तो उसने श्राप दिया था, कैसे दिया था आगे देखिए। यज्ञो यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत क्या होता है, यज्ञ उपवीत, त्रोटन पूर्वकम, तोड़ते हुए, एकदम इजी है, हिंदी जैसा है, तोड़ते हुए यत श्राप वचस्तेना, जो श्राप का वचन दिया गया था उसके कारण। समझ में आ रहा है? तो लीला भी आप समझ में समझ ही रहे हैं यहां पे, और आप ये देख रहे हैं कि वचसा को एक्सप्लेन कर रहे हैं किस प्रकार से वचन बोला गया था। यज्ञ भी तोड़ते हुए उस ब्राह्मण ने श्राप दिया कि हे निमाय पंडित, तुम्हें कभी भी गृहस्थ सुख प्राप्त नहीं होगा। एकदम इजी है, एकदम हिंदी जैसा ही है कि ना। एक भक्त बोले हिंदी में बिंदी ग्रह सुख बोल दिया क्या मैंने, नहीं ग्रहस्थ सुख, तो हिंदी में बिंदी लगाई तो संस्कृत बन जाती है। इजी है, ठीक है, थोड़ा सा फोकस करेंगे। अब देखिए, कहेंगे कि एक ब्राह्मण ने श्राप दे दिया तो चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, जरूरी है श्राप पालन करना। तो कह रहे हैं धर्मिष्ठ धर्मवताम मध्य अतिशयन श्रेष्ठ, एकदम स्पष्ट है ना, जितने भी धर्म पालन करने वाले में है उसमें सर्वश्रेष्ठ है श्रीमद चैतन्य महाप्रभु, यही चीज सर्वश्रेष्ठ है भगवान श्री राम। आप देखेंगे कि दोनों ही परिस्थितियों में भगवान अगर वचन पालन नहीं करते तो कुछ नहीं होता उनको, लेकिन समाज में आदर्श स्थापित करने, धर्म पालन करने के लिए कि पिता की बात खाली नहीं होनी चाहिए, या यहां पे एक ब्राह्मण की बात खाली नहीं होनी चाहिए, उन्होंने स्वीकार किया। अब देखिए एक संधि देख पा रहे हैं आप इसमें, यहां पे ध्वस्तम भवतु इति, भवतु मतलब हो जाए, उसी तरह से अब यहां पे आप देखेंगे विप्रवाक्यम मान्यथा भवतु इति, मां मतलब नहीं, तो यानी कि विप्र का वाक्य, ब्राह्मण का वाक्य अन्यथा न हो इति, यह सोचते हुए, यह धर्म है कि भाई विप्र का वाक्य नष्ट नहीं होना चाहिए, मान लेना चाहिए, इसलिए कृत शाप स्वीकारा इति अर्थ, उन्होंने शाप को स्वीकार कर लिया। बहुत इजी है, क्लियर करके क्या किया, गत्वा। अब कह रहे हैं गत्वा किम अकरोद इति, गत्वा किम अकरोद यत आह, अब आह मतलब यहां कह रहे हैं कि वन में जाके किया क्या, पिकनिक करिए, पिकनिक नहीं किए ना, वन में जाकर के बिल्डिंग तो नहीं बनाए, रुक्मणी विहार है ना, वहां पे सारे जंगल थे, वहां पे जंगल काट करके रुक्मणी विहार बना लिए, क्या बिल्डिंग बनाए, नहीं। तो कह रहे हैं बहुत सुंदर है, मायाम, माया, मायाम का अर्थ क्या है, कलत्र, ये मैं थोड़ा इसमें एडिटिंग करना भूल गया, कलत्र पुत्र वित्तादि है, वो विप्रादि नहीं होना चाहिए, मैंने एडिटिंग किया था, गलत कट पेस्ट कर दिया था उसको, ब्राह्मण नहीं है वो, गलत है, वित्त है, वहां पे वित्त होना चाहिए, कलत्र पुत्र वित्तादि रूपाम, जो लोग माया के इन तीन स्पेशल कह सकते हैं प्रकटीकरण कह लीजिए, या उसके आकर्षण जो है उसके पीछे मृग्यति, कलत्र का अर्थ होता है पत्नी, पुत्र का अर्थ होता है पुत्र, और वित्त का अर्थ होता है धन, मृग्यति मतलब भागना, जो भागता है, देखा ना मृग कैसे भागते हैं, ठीक है, और अन्वेष्यति अन्वेषण करना, आपने कभी शब्द सुना है छिद्राण अन्वेषण, खोजना, भागना और खोज खोज के भागना कि पत्नी का कैसे व्यवस्था होगी, बच्चे की व्यवस्था कैसे होगी, और धन कहां मिलेगा, मेनली धन के पीछे लोग भागते रहते हैं, आदि मतलब इसके साथ और जो भी चीजें हैं जो माया के कह सकते हैं प्रोडक्ट्स हैं, क्या बोलेंगे हिंदी में, प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, उत्पादन, माया के उत्पादनों के पीछे भाग रहे हैं, और इस प्रकार से संसारा अविष्टो जन, समझ में आ गया, जो पूरी तरह संसार में आविष्ट हैं, अभिनिविष्ट हैं, रचे पचे हुए हैं, तम अन्वधावत उनके पीछे भागे, कीदृशम, ये समझ में आ गया, अन्वधावत भागे उनके पीछे, तो क्यों भागे, कीदृशम किस प्रकार भागे, तो बोले दया अतिशय नास्ति इति दैत्यस्य भावात्, अर्थात दयिता, यहां पे शब्द देख रहे हैं दयिता, दयिता तया हेतुना, अर्थात अपनी नैरुपाधिक दया या अतिशय दया के कारण उनके पीछे भागे, क्या समझ पा रहे हैं, अतिशयनास दया अस्ति, उनके दया अतिशय नास्ति इति,
दई तस्य भावा, अर्थात उनके हृदय में बहुत अधिक दया थी इन दुखी लोगों के पीछे, इस कारण से उनके पीछे वो भागे। मैं इस संबंध में थोड़ा सा फिर से आपको लीला बताना चाहता हूँ, आप सब जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा दिखा बात पे प्रकाश डालने के लिए। श्रीमद चैतन्य महाप्रभु, एक बार आप जानते होंगे कि वो गोपी गोपी बोल रहे थे, और उनका एक ब्राह्मण शिष्य आया और उसने बोला, तुम गोपी गोपी क्यों बोल रहे हो, कृष्ण बोलो, गोपी बोलने से तुम्हें क्या पुण्य प्राप्त होगा। और महाप्रभु उस समय गोपी भाव में एकदम आविष्ट थे, बोला कृष्ण, मैं कृष्ण का नाम क्यों लूं। वो उसने फिर छोड़ दिया, गोपियों को छोड़ दिया, वो तो धोखा देता ऐसे करके, और फिर उनको मारने के लिए दौड़े। तो ब्राह्मण बालक भागा कस के, और बाद में जब ब्राह्मण अपने बालकों के समूह में गया तो कहता है कि निमाई पंडित क्या समझता है कि वो ब्राह्मणों को मारेगा, अगली बार उसने मारा तो हम भी उसको मारेंगे। तो जैसे ही उसके हृदय में ऐसी उसने बात बोली तो सारा उसका जो ज्ञान था वह नष्ट हो गया। तब महाप्रभु सोचने लगे कि जब मैं मेरा अवतार हुआ है इनके उद्धार के लिए, अगर ये मेरे प्रति अपराध करेंगे क्योंकि एक सामान्य गृहस्थ मानते हुए मेरे को, तो फिर इनका उद्धार कैसे होगा। तो ऐसे लोगों के उद्धार करने के लिए महाप्रभु ने संन्यास लिया। क्यों? क्योंकि ना चाहते हुए भी, ना जानते हुए कि वो भगवान है, सन्यासी मानते हुए भी इनको अगर प्रणाम करेंगे तो इनके अपराध नष्ट होंगे और वह प्रगति करेंगे। अब दिक्कत नहीं, अद्भुत बात यह है कि ये महाप्रभु की अतिशय दया क्यों है, क्योंकि किसको त्यागा है ये सोचिए, और किसके लिए त्यागा है जरा ये सोचिए। किसको त्यागा है? जो प्राणों से भी अधिक प्रिय है, जो अन्य सब भक्त लोग भी चाहते थे कि यहीं रहें, और माता सची देवी को त्यागा, सारे भक्तों को त्यागा, किसके लिए त्यागा? उन लोगों के लिए जो उनके प्रति अपराध कर रहे। तो दया नहीं है? अब इस पर हम थोड़ा और चर्चा करेंगे आगे, कैसे दया करी उन्होंने। तो कह रहे हैं इप्सितम, इप्सितम अर्थात, अब देखिए इप्सितम का बिल्कुल अलग ही अर्थ ले लिया उन्होंने, बड़ा जबरदस्त। इप्सितम अर्थात स्वाभिप्सितम अर्थात आलिंगन मिशेणा स्पर्शनम दत्वा, अपना आलिंगन में भर कर, बहुत से भक्तों को, बहुत से लोगों को महाप्रभु ने अपना आलिंगन दिया, और स्पर्शनम दत्वा, उनको स्पर्श करके। संसाराब्धि पतितम, जो लोग जन्म मृत्यु रूपी संसार के सागर में पतित थे और उनको कोई आइडिया भी नहीं कि इसके अलावा भी कोई संसार है या उसके अलावा भी कोई सागर है, समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं। तम प्रेमाब्धौ पातयितुम, आपको तो देखना पड़ेगा जब मैं संसार आब्धि पतितम अपि, अर्थात जो जन्म मृत्यु के संसार में फंसे हैं उनको भी तम प्रेमाब्धौ पातयितुम, जो एकदम दुख के सागर में पड़े हुए हैं उनको उठा करके प्रेम के समुद्र में गिराया। कोई साधना में लगा हो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जो एकदम निकृष्ट हैं, जो माया मृग हैं, जो कलत्र पुत्र वित्त के पीछे पड़े हुए हैं, संसार में पूरे आविष्ट हैं, उनको, उनके पीछे भाग भाग कर कृपा दिया और उनको प्रेम प्रदान किया। साउथ इंडिया में तो जानते ही ना, एक व्यक्ति ने देखा उनका, महाप्रभु को देखा, उसे प्रेम प्राप्त हो गया, उसको देख के दूसरे व्यक्ति को प्रेम प्राप्त हो गया, उसको देख के दूसरे व्यक्ति को प्रेम प्राप्त हो, कितना आसान था ना। बस ये दिक्कत थी कि हम कहाँ थे उस टाइम जब फ्री बट रहा था तो लग रहा हम लोग सो रहे थे या चाय पी रहे थे, पता नहीं क्या हो रहा था। थे तो हमेशा ना, ऐसा तो कभी नहीं है कि आत्मा कभी नहीं होती है, ठीक है। तो खैर जो भी है, यही समझा रहे, स्वाभिप्सितम अर्थात आलिंगनम मिशेण स्पर्शनम दत्वा, एक्सप्लेन किया जा रहा है। यस, तो ये कितने बड़ी कृपा है। एक और आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर में पड़ा हुआ है, उसे कोई हवा भी नहीं है कि प्रेम जैसी कोई चीज होती है, हवा भी नहीं है मतलब से कोई गंध भी नहीं है कि भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम जैसी चीज क्या होती है, और उनको दे रहे हैं महाप्रभु, इसीलिए उनको महावदन न्याय अवतार बोलते हैं कि नहीं बोलते। और आप जानते हैं कि साधन करने के बाद भी प्रेम आसानी से प्राप्त नहीं होता, उस प्रेम को जो ब्रह्मा जीव जी तरसते हैं, महाप्रभु ने धड़ाधड़ सबको देते चले गए, ये कृपा उनकी दिख रही है। अब बोल रहे हैं निरुपधि महाकारुण्यम द्योतितम, इससे उनका निरुपधिक महाकारुण्य चमकता है, स्पष्ट होता है। अब जरा समझ लेना चाहिए इस शब्द को। देखिए उपाधि का मतलब हम सब जानते हैं डेजिग्नेशन, जैसे मैं ये मान रहा हूं कि मैं ये शरीर हूं, ये उपाधि है,
पुरुष हूं स्त्री है, कुत्ता की उपाधि है गलत, कुत्ता भी मान रहा है कि मैं कुत्ता हूं वो शरीर हूं, इसीलिए मैंने पूछा ये बात। पेड़ की उपाधि है, आप तो समझ गए, यस पेड़ भी मान रहा है मैं कितना बढ़िया पेड़ हूं, मुझसे अच्छा पेड़ कोई है नहीं। क्या चींटी की उपाधि है? सबकी है। तो जब कोई व्यक्ति प्रायः कृपा करता है तो वह स उपाधिक कृपा करता है। हाँ हम अपने, हम केवल इंसानों पर कृपा करेंगे, हम केवल अपने समाज के लोग पर कृपा करेंगे, या चींटी केवल चींटी वालों की ध्यान रखेगी, समझ में आ रहा है। लेकिन जीव मात्र पे कृपा करना ये ना देखते हुए कि वो किस शरीर में है, ये है महाप्रभु ने किया। प्रमाण याद कर रहे हम, झारखंड के जंगल में शेर हाथी सब पे कृपा किया, यस। उसके बाद एक कुत्ता था जो उनके घर में, इसको वहां जब छोटे थे तो कुत्ते को भगवत धाम भेज दिया। एक और कुत्ता जो उनके भक्त को प्रिय हो गया था उसको भगवत धाम भेज दिया। अच्छा एक और साउथ इंडिया में 7 ताल के पेड़ थे, स्पेशली उनको महाप्रभु आलिंगन किए, भगवत धाम भेज दिया। वो पेड़ भगवान श्री राम ने अपने बाण से बींधे थे ये दिखाने के लिए कि मेरे पास शक्ति है कि नहीं बाली को मारने की, लेकिन उसको महाप्रभु ने आलिंगन मात्र से भगवत धाम भेज दिया। और किसको किया आलिंगन से, और किसका उद्धार किया है? बहुत से लोगों का आलिंगन से उद्धार किया है। एक साथ कांग्रेगेशन चैंटिंग नहीं, माइक पे बताइए, माइक पे बताइए, माइक पे बताइए। हाँ अब ये प्रश्न जो है पहले भी किसी ने किया था, मुझसे किसने किया था मुझे याद नहीं आ रहा, कि इनका प्रश्न ये है कि वो पेड़ ताड़ के पेड़ क्या त्रेता युग से वहां पे थे तो कैसे थे, क्या ये प्रश्न हमें करना चाहिए? शास्त्र में लिखा है तो कर तो मान लेना चाहिए। अब कैसे थे तो आप चेक तो कर नहीं सकते कि कैसे थे, शास्त्र में लिखा हुआ है तो स्वीकार कर लेना चाहिए। ऑन कर लीजिए, ऑन कर। भगवान कृष्ण ने जो अमलारजुन के पेड़ों का उद्धार किया वो कहा था कि नारद मुनि कई लाख साल, वेरी गुड वेरी गुड, 36,000 साल तक वो रह रहे थे, तो बहुत मुश्किल बात नहीं, भगवान की कृपा से सब कुछ हो सकता है। जैसे राधा कुंड पे 5 पांडव पेड़ के, हाँ तो खैर पॉइंट ये है कि हम देखिए पॉइंट से अभी आप डिफोकस में होती है, वो मुझे पसंद नहीं आता, फोकस करिए आप लोग। पॉइंट ये है कि भगवान ने निरुपाधिक कारुण्य प्रदर्शित किया, और उदाहरण क्या है, जैसे जिन लोगों ने महाप्रभु के प्रति अपराध भी किया था उन पे भी करुणा करी। जैसे आप जानते हो अमोघ ने, अमोघा नाम का व्यक्ति था जो कि सार्वभौम भट्टाचार्य जी का जमाई था, उन्होंने भी महाप्रभु के प्रति अपराध किया था, स्पष्ट उनके मुंह पे सामने उनको भर्त्सना करी थी, फिर भी महाप्रभु जाकर के उनके हृदय पे हाथ रखते हैं, कृपा करते हैं, जगाई मधाई का उद्धार किया। तो किसका? नवाब हुसैन शाह का, काजी का भी उद्धार किया था? नहीं नहीं, आप समझ में आया आप किसकी बात कर रहे हैं। जब महाप्रभु उड़ीसा में से एक नदी की उस तरफ थे और एक मुसलमान आकर उनको मिलता है तो उसको भी कृष्ण प्रेम देते हैं, यस यस, बाद में काजी को भी कृपा दिया। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि महाप्रभु ने सबको कृपा दिया। और यहाँ पे जब मथुरा में आए थे तो एक मुसलमान पठान वैष्णव थे उन पर भी कृपा किया, तो जितने भी थे भक्त थे सब पे कृपा महाप्रभु ने किया, और इससे उनका निरुपाधिक महाकारुण्य द्योतितम चमकता है एकदम, ये नहीं कह रहे कि भूला गया, एकदम चमक रहा है, प्रकाशित हो रहा है, एकदम सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है। अब कृष्ण पलक व्याख्या शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने नहीं करी है, जीव गोस्वामी जी ने करी है, पुस्तक आप मेरे को दें, इसमें वो खोला हुआ आपने, हाँ तो उसमें मैं उसको पढ़ करके आपको समझा देता हूँ कि कृष्ण पलक व्याख्या की क्या, मुझे उसकी संस्कृत नहीं मिल पाई तो मैं उसको नहीं समझा, मेरा संस्कृत देख के नहीं समझा सकता। इसमें लिखा है श्रील जीव गोस्वामी बता रहे हैं कि सुरेपसित राज लक्ष्मी अर्थात मथुरा संपत्तिम, ये निश्चित संस्कृत से लिया गया क्योंकि शब्द संस्कृत उठाए जा रहे हैं, क्लियर है। मथुरा के ऐश्वर्य को त्यागा, भगवान कहाँ पे अवतरित हुए थे? मथुरा में। अच्छा अब वो कह रहे हैं आर्य वचसा अर्थात माता पिता वसुदेव के वचन से, याद है ना बोलते हैं ना वसुदेव जी की माता, वसुदेव देव की भी बोलती है, तो वसुदेव जी भी बोलते हैं कि अरे हमें डर लग रहा है कि आपको कंस मार ना दे, तो उन्होंने कहा ठीक है अगर आपको डर लग रहा है तो आप मेरे को वृंदावन ले चले जाइए, ठीक है। उन्होंने बड़े प्यार से प्रार्थना करी और इस कारण से यद अगाध अरण्य मतलब वृंदावन में आ गए, स्पष्ट है। और माया मृगम अर्थात ये श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण के बीच विशेष संबंध का सूचक है, माया अर्थात भगवान की अंतरंगा शक्ति योग माया जो कि स्वयं श्रीमती राधा रानी हैं, और वो कह रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी के अचिंत्य प्रेम के कारण भगवान कृष्ण उनके वश में रहते थे,
अर्थात मृगम अर्थात क्रीड़ा मृगम अर्थात पशु खिलौने का सूचक है। तो कह रहे हैं जिस तरह कोई सुंदर बालिका अनेक गुणियों या पशु खिलौने से खेल सकती है, उसी तरह भगवान कृष्ण सर्वाधिक सुंदरी तरुणी श्रीमती राधा रानी के हाथ के खिलौने बने रहते। कितना अद्भुत है। माया मृगम का अर्थ यहां पे है कि श्रीमती राधा रानी के प्रेम में जैसा वह राधा रानी चाहती है कृष्ण वैसा करते। कितना सुंदर टीका है, लेकिन ये इसका संस्कृत मुझे मिल जाए तो बहुत खुश होंगे, मुझे अब तक मिला नहीं है। और क्योंकि वे कृष्ण की बना। हाँ, अब कह रहे हैं शिलाजीव गोस्वामी कहते हैं श्रीमती राधा रानी ने श्री कृष्ण को बांधने के लिए अनेक प्रकार से पूजा की थी, क्योंकि वह कृष्ण के बिना नहीं रह सकती थी। और इसी कारण से भगवान कृष्ण कभी वृंदावन त्याग करके नहीं जाते हैं, अपितु वृंदावन में गौओं की रक्षा करते हुए अपने मित्रों के साथ खेलते हुए तथा श्रीमती राधा रानी और गोपियों के साथ अनेक प्रकार से प्रेम क्रीड़ाएं करते हुए इधर उधर दौड़ते हैं। अनवधावत का अर्थ ले रहे हैं। अनवधावत मतलब गमों के पीछे दौड़ रहे हैं, अपने भक्तों के संग दौड़ रहे हैं, साख्य जो मित्र हैं उनके संग दौड़ रहे हैं और गोपियों के संग रासलीला में इधर से उधर दौड़ रहे हैं, ब्रज में दौड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से ये है, प्रेम के वशीभूत हैं भगवान। तो यानी अनवधावत का अर्थ था कि एक भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के प्रेम के कारण ब्रज में इस प्रकार से दौड़ रहे हैं। इसकी संस्कृत मिल जाती तो बड़ा अच्छा है, अभी तक मैंने नहीं मिला मुझे उसमें नहीं था। हाँ, माइक पे पूछिए। ये भी तो हो सकता है कि तब कांचन गौरांगी जो सुनहरे रंगों वाली राधा रानी को बोला जाता है। देखिए देखिए देखिए, एक ध्यान रखना चाहिए, जब भी हम बुरा मत मानेगा प्रभु जी, लेकिन जब भी हम चर्चा कर रहे हैं हमें केवल वही अर्थ ले सकते हैं जो आचार्यों ने लिया है। हम मैं नहीं बोल सकता कुछ कि सॉल्व हो जाए, क्योंकि वो वही सब लोग जो वो है वो सामने प्रस्तुत कर सकते हैं बस। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा और ये इसको आप लोग फिर से थोड़ा सा एक बार रिवाइज कीजिएगा। यहाँ रुकेंगे हम लोग।